आप ठीक तो है ना? सूर्य चाचा, कौन है वो? मैंने मोबाइल उसके जेब में डाल दिया था, आप मेरे नंबर पर फोन करो। जिस पर अंडा फोड़ा था ना, ये उसी का आदमी लगता है। मुझे अपनी जमीन नहीं बेचनी है, मुझे ऐसे मत मारो। ला दे, पेपर दे बे। सुन, जो तूने इस पेपर में लिखा है वो ही पढ़ रहा हूं। रंगावल्द परमेश्वर, केबल बाबू से पैसे लिए, चुका नहीं पा रहा हूं, इसलिए अपनी सारी जमीन का मालिकाना हक दे रहा हूं। सुबो, ये मालिकाना हक क्या होता है? मालिकाना हक, आप कानूनी मालिक हो। सुपर करेक्ट, थैंक यू वेरी मच। हे नागेश,
गाड़ी में ब्लूप्रिंट रखा है जी, उसे ले आ। जी लाता हूँ। ये आदमी बहुत पहले से मेरा दुश्मन था, मुझे उड़ाने वाला था, उसका नतीजा ये देख लो, बेचारा लाचार है। यही है ना? सुबो, खतरे को अपने से कभी भी दूर नहीं रखना चाहिए, पास में रखना चाहिए, समझे? क्यों नागेश, सही कहा ना? क्या भाई, पुरानी बात भूल जाओ ना। ये क्या? ये लक्ष्मीपुर के एरिया का नक्शा है, यहाँ एयरपोर्ट बनने वाला है। अरे वाह, अगर यहाँ की जमीन परचेज कर लोगे तो बाद में बढ़िया रेट मिलेंगे। सुपर्ब, ये जमीन तो मैं ही ले लूंगा, बट इस जमीन को परचेज करने में जिस छल बल की जरूरत पड़ेगी वो मेरा भाई करेगा। एक मिनट। मुन्ना, भैया का फोन है। ए, कहाँ है? मैं हुबली में हूँ। तू यहाँ जल्दी आ, एक बहुत जरूरी काम है। भैया मैं अगले हफ्ते ही आ पाऊंगा। ठीक है। बाबू को वाली बात बता क्यों नहीं देते हो? ये बताओ कि किसी ने मुझे पीट दिया? हाँ, पहले मैं उसे निपटाऊंगा, पता कर वो कौन है। उसका नाम सूर्या है, झोपड़पट्टी वाला है, सड़क के किनारे बिरयानी का ठेला लगाता है, लोग कहते हैं कि वो बहुत एड़ा टाइप का आदमी है। पानी पी लो। पहले तो जमीन बेचने के लिए कोई राजी नहीं था, हमने डराने के लिए एक दुकान में आग भी लगा दी, तभी वहाँ गड़बड़ हो गई, कोई हवेली वाला राजी वहाँ पहुँच गया। कौन है ये राजीव? आप राजीव को नहीं जानते बॉस? अगर जानता तो पूछता क्यों, कौन है? कमाल है बॉस, आप हवेली वाले राजीव को नहीं जानते? अबे नहीं जानता तभी तो पूछ रहा हूँ, और तू बार बार यही बोले जा रहा है वो कोई फिल्म स्टार या मिनिस्टर है? वो उनसे भी बड़ा है। राजीव बाबू की जय! राजीव बाबू की जय! राजीव बाबू की जय! राजीव बाबू ने अपनी जमीनें दान में दी हैं, लोगों का मानना है कि वो कलयुग में कर्ण के अवतार हैं। कलयुग का कर्ण? अबे ज्यादा फेका फाकी मत कर, ये पॉलिटिकल पैतरे में सब समझता हूँ। ये पैतरेबाजी नहीं है गुरु, वो इलेक्शन नहीं लड़ता बल्कि लड़वाता है, उसके सपोर्ट की सबको जरूरत होती है। अगर कोई नेता ठीक से काम नहीं करता तो ये लोगों के साथ मिलकर उसे गद्दी से उतार देता है। नाकेश, क्या तू मुझे राजीव से मिलवाएगा? नहीं बॉस, जानबूझकर सांप को छेड़ोगे तो वो डस लेगा। वो मुझे डसेगा, मैं उसका ही जहर उतार दूंगा, समझ में आया? मैं तेरे सांप का फन पकड़कर डिस्को डांस ना करवाऊं तो कहना। राजीव बाबू की जय! राजीव बाबू की जय! राजीव बाबू की जय! आप सबको नमस्कार, मैं आज आप सब लोगों के बीच एक खुशखबरी देने इस मंच पर आया हूँ। हनुमान पहाड़ी की जमीन जो 20 एकड़ है, मैंने तय किया है कि उसे किसी अच्छे काम के लिए दान में दे दूं और गरीबों के लिए अस्पताल बनवा दूं। लेकिन आप लोगों से एक विनती है कि इस अच्छे काम को मेरी पब्लिसिटी की तरह मत देखिएगा। एक गलत कदम उठाने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। अगर कोई अच्छा काम करना हो तो फट से काम हो जाता है, क्योंकि तभी आपकी जिंदगी सफल हो जाती है। अब आपके सामने हवेली वाले खानदान के किशन बाबू बोलेंगे। बॉस, गलती से भी इसका नाम अपनी जुबान पे मत लाना, नहीं तो ये भेड़ तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। बाबूजी के सामने बोलने की मेरी हिम्मत नहीं है, आप सब लोगों की तरह ही मैं भी इन्हें अपना गॉडफादर मानता हूँ, और इन्हीं की तरह मैं भी बनना चाहता हूँ। राजीव बाबू की जय! राजीव बाबू की जय! राजीव बाबू की जय! ये भगवान है क्या जो लोग इसके पैर छू रहे हैं? जय! राजीव बाबू की जय! राजीव बाबू की जय! राम, खाने पीने का क्या इंतजाम है? किसी अच्छे होटल में खाएंगे हम। बॉस, वहाँ क्यों जा रहे हो? हवेली वालों की समाधि है ये, लोग इस जगह को मंदिर मानकर पूजा करते हैं बॉस। ये तुझे मंदिर लग रहा है? अरे ये भूतों की जगह है या फिर मंदिर है? तेरा दिमाग घूम गया है, अब तो देख। ए गंगो, सुन रहे? जी भाई। शराब लेके आ जल्दी। लाया भाई। ए नागेश, अब इसी मंदिर के ऊपर बैठकर जम के दारू पीऊंगा, जिसमें हिम्मत है जरा मुझे रोक के दिखाए। कोई रोकेगा नहीं बॉस, बल्कि उठाकर फेंक देंगे। ए, कौन उठाकर फेंकता है, मैं भी देखता हूँ और तू भी देख। ये ले, अब तू देख। ले लो भाई। नाच गाना होना चाहिए तभी तो मजा आएगा।
चल चल नागेश डांस कर, ए नाच नाच। भाई हाँ बोल। सुनो ना। हाँ बोल ना। मैं राजीव को धमकाने जा रहा हूँ। ठीक है, उसे खींच कर यहाँ लाता हूँ। हाँ जा जा। ए राजीव, केबल बाबू बुला रहे हैं, चल। अरे किसने मारा तुझे? जब मैंने उसे यहाँ आने के लिए कहा तो वो बड़े प्यार से मेरे साथ चलने के लिए राजी हो गया, लेकिन तभी उसने मुझे उठाकर जीप पर दे मारा। बहुत खतरनाक है भाई। रुक रुक, ये शराब पीने की जगह है, वो तेरी खाल उधेड़ देगा। स्वामी जी, इसी बहाने मेरी मुलाकात होगी। हवेली वाला राजीव, यही नाम है ना तेरा? तू अपने गांव की एक इंच भी जमीन खरीदने नहीं देगा, यही कहा था ना मेरे आदमियों से तूने? तू मुझे अपनी कीमत बता। ए गांव भूल जा, मैं तेरी ही जमीन खरीदूंगा, देख लेना। तूने नाम तो सुना ही होगा मेरा, बाबू केबल बाबू। तो तेरे नाम पर, तेरे जैसा घटिया आदमी मेरे नाम से नहीं मेरी लात से याद रखता है और मेरा नाम अपनी जुबान पर नहीं लाता। आज तो मैंने तुझे छोड़ दिया, आगे नहीं छोड़ूंगा। अगर तुझे अब भी समझ में नहीं आया तो जो दो पैरों पे तू खड़ा है ना, एक थप्पड़ में ही स्वर्ग सिधार जाएगा। जो लोग अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते उनके साथ में गांव के बारे में भूल जा, अगर सपने में भी सोचा तो तुझे यही गाड़ दूंगा। देखा बॉस, मैंने कहा था ना राजू से बिल्कुल पंगा मत लेना। अगर तूने किसी से कहा? मैं किसी से नहीं कहूंगा बॉस, तुम्हारी इज्जत का मतलब मेरी इज्जत है बॉस। ला दे। संभाल के रखना। देखो ये चंदन की माला मैं भगवान के लिए लाई थी, इसे मेरे पति की फोटो पर लगा दिया, क्या बदतमीजी है ये? ये मुझसे गलती हो गई। कितने दिन ऐसा करता रहेगा? ऐसा नहीं करूंगा। निकाल दो उसे। निकालता हूँ। राजीव, ये रोज मेरे पति के फोटो पर माला लगा देते हैं जैसे तेरे जीजा इस दुनिया में नहीं रहे। तुम मुझसे वादा करो कि तुम्हारे रहते उन्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, ऐसा कितने दिन तक चलेगा? चिंता मत कीजिए, इनकी हालत में थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है, बस आप इन्हें घर के माहौल से दूर मत रखिएगा। विदेश में ट्रीटमेंट करवाएं तो? उसकी जरूरत नहीं है, उन्हें जिस प्यार की जरूरत है वो उन्हें इस घर के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा, वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए, आदमी के लिए दांत बहुत जरूरी होते हैं। एक सेहतमंद इंसान के मुंह में पूरे 32 दांत होते हैं। इस दांत को अक्ल दाढ़ कहते हैं, जो निकल गई है। इसका अक्ल से कोई लेना देना नहीं है। ये दांत तोड़ दूंगा तेरे, दर्द हो रहा है। ओके ओके, मुंह खोलो। अरे वाह, एक साथ दो दांत टूट गए हैं। कोई और तो नहीं हिल गया है? ओके, फिर खोलो। ए, ए, रुकना, दांत तो मेरे पास है, ला दे। क्या दू? वो दांत तो दिया था ना। ओ रुको बस, देता हूँ। मिला? अबे क्या ढूंढ रहा है? मिल नहीं रहा। अबे लंगड़े, दांत नहीं मिला तो मैं तोतला हो जाऊंगा। सर सर, वैसे भी ये ओरिजिनल दांत बेकार है, नहीं लग पाएंगे। अब आपको नकली दांत लगवाने पड़ेंगे। गोल्ड का, प्लेटिनम का, अगर गरीब है तो लोहे का। क्या? आदमी के दांत कितने साल तक चलते हैं? अगर आदमी अकल से काम ले तो 65-70 साल तक चलते हैं। कईयों की ताउम्र चलती है बाबू। ने मुझे बुढ़ा बना दे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लोग उसे भगवान मानते हैं, उसके लोगों के सामने तेरी एक नहीं चलेगी। बाबू अकल से काम ले तो मैं उनको भी खत्म कर दूंगा, साथ में उसे भी मार दूंगा। सुबो, उसने मुझे जिंदगी भर की चोट दी है। लो ये क्या? तुम्हारे दांत। हाँ ये मिल गए, तू रख ले। हाँ?
एक मिनट बाबू। हाँ बेटी। ए नागेश पागलों के दुखे रखे, दांत तो जेब में था। अंदाजा लगाइए कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ आज। मैं यहाँ से कैसे बता सकता हूँ? एक ड्रामे में मैं मेन रोल कर रही हूँ। गुड। आपको पता है मैं डायलॉग बहुत फास्ट बोलती हूँ पापा, देखने जरूर आना, बिल्कुल मत भूलना। जब तुम्हारा शो यहाँ पर होगा मैं जरूर देखूंगा, अभी मुझे कुछ काम है। मुझसे बात मत करिए, आपसे कट्टी, जाइए। ए निशा, अंकल ना देखे तो अच्छा। सुन, है। अगर तेरे पापा ने ये ड्रामा देख लिया ना तो तेरा ये लास्ट शो होगा। क्यों? पहले तो डायलॉग की प्रैक्टिस करो, ऊपर से ये बियर भी पियो। ए चैलेंज मत कर, मैं पीकर भी डायलॉग बोल सकती हूँ। तो करके दिखा। निशा एंड गैंग इधर आइए। वाह, तू तो बहुत सेक्सी लग रही है। डायलॉग वगैरह तो बहुत इजी है, गांव वाली अईली गईली की तरह बस स्टाइल मार दो। गांव वाली? भोजपुरी में बात करनी है। ओह, जस्ट वेट एंड वॉच, ऐसा परफॉर्मेंस दूंगी लोग तालियां मारेंगे। हमारा नाम है उषा, हमारा गांव है क्या था, बरेली। हेलो निशा, निशा ये क्या कर रही हो तुम? तुम एक वैश्याओ के चकला घर में फंस के रह गई हो, इसलिए बहुत दुखी हो। अरे कैरेक्टर को समझो। दुखी तो हूँ, आँख में है। I don't know, I mean how to... मतलब तुम्हारे अंदर है लेकिन निकल नहीं रहा। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, गेट इन्वॉल्व इन द रोल। चलो। ओके सर। ए नाम क्या है तेरा? हमारा नाम है उषा, हमारा गाँव है बरेली। गरीब कोई ऐसे खाना खाते हैं क्या? सॉरी सर, बट मुझे ऐसे हाथ से खाने की प्रैक्टिस नहीं खा रही है। हद होती है हर चीज की। गरीबों को खाना खाते नहीं देखा और चली तुम एक्टिंग करने? ये देखो, ये अन्न है, इसे इस तरह प्यार से खाते हैं, ऐसे देखा। अच्छी एक्टिंग करने के लिए जिंदगी को बहुत ही करीब से देखना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, तुमने कभी जिंदगी में उगता हुआ सूरज देखा है? क्यों सर, उगता हुआ सूरज क्यों देखूं? तुम्हें देखना चाहिए, सब चीजों को देखना चाहिए, सिर्फ मोबाइल फोन ही नहीं, अपने अगल बगल भी देखो। चलो प्रैक्टिस करके आओ। चलो सब गर्ल्स इधर ध्यान दो, एक्टिंग करने के लिए पहले अपने अंदर से फील करना चाहिए। इसने मेरी बेइज्जती कर दी, अब मैं डायरेक्ट गरीबों के साथ रहकर देखूंगी। मेरा नाम है उषा, मेरा गाँव है बरेली। मेरी माँ ये जगह को सही लग रही है, यहाँ गरीब लोग रहते हैं। यश देखती हूँ बियर पी के डायलॉग याद होते हैं कि नहीं। एक्सक्यूज मी, बियर मिलेगी? कौन सी? कोई भी चलेगी। हाँ। ₹75 हुए दीजिए। अरे बाप रे। तो क्या दिक्कत है मैडम, मैं हूँ ना, मैं दूंगा। ए, इस लड़की को 3 बियर दे। जी देता हूँ। नो नो नो। अरे ले लेना, शर्म आ रही है, ले पकड़। अरे लेना। थैंक्स। इधर आ। अरे इधर। बात क्या है? ये लड़का मुझे मुझे आज तू मेरी है, कोई और नहीं चलेगा, रोकड़ा मैं देगा, जितना पीना है तू पी सकती है। और तू कौन है? तू इसका दलाल है क्या? अच्छा तू ही इसका रेट बता। पकड़ इसको। ए, अरे कस के पकड़ना। Hey!
इतनी रात को तू घर से बाहर क्यों निकली? हाँ, कहाँ रहती है तू? नाम क्या है तेरा? हमरा नाम उषा है। ए, चल बन कर। हमरा गांव कोरा जिला में बरेली है। हमरी माँ के भाई नीलकंठ ने और उसके दोस्त ने चंदू ने हमका नौकरी दिलाने के लालच देके यहाँ शहर में ले आए। और फिर आगे बोल। भूल गई। हाँ, हमका वहाँ लेके आए जहाँ बहुत सारी औरतें थी। उ जगह पे आधी रात के बहुत मर्द आवत रहे, बिरयानी खा खा के दारू पियत रहे और फिर हमरे साथ सोवत रहे। अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो। उसके बाद फिर हमने अपने भीतर हिम्मत बटोरा और अंदर से ये तय किया और हम वहाँ से भाग निकले बाबूजी। ये झूला झूलने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने ड्रामा करती है क्या? अरे बाबूजी, हमरा दुख तुमको क्या ड्रामा लगता है बाबूजी? तूने शराब पी है ना, बदबू आ रही है मुझे। वो गुंडे थे ना, जब लड़ रहे थे तो शराब हमरे पर गिर गया होगा। तेरे झूलने से ही मुझे पता चल गया था कि तूने पी रखी है। गरीब लोग आपको पियक्कड़ लगते हैं बाबूजी। ओहो, मुझसे यह शराब की बदबू बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा आगे बता। पूछो। तू बता। हमारा नाम है उषा, हमारे गांव कोरा जिला। अरे यार तू फिर से शुरू हो गई, ये बता चुकी है, आगे बोल क्या हुआ? फिर हाँ फिर तेरी तो फिर हमका बहुत जोरों से भूख लगी है बाबूजी, थोड़ा कुछ खाने को दे दीजिए बाबूजी। इतनी भागदौड़ करके भूख तो लगी चुकी होगी, चला हमका हमरे गांव पहुंचा दो बाबूजी, हमका अपने घर जाने बाबूजी। अरे बाबा मैं समझ गया, बस से या ट्रेन से मैं तुझे छोड़ दूंगा, तू घर पे पहुंच जाएगी। चलो पहले खाना खाते हैं, आजा। हाँ। अरे जरा जल्दी चलना, कोरा जिला बताया ना? नहीं तो डूंगरपुर। नहीं, कोरा के नजदीक बरेली से। अरे मुझे तो मुझे तो मुझे चाहिए दो ना। ले पकड़ सूर्या। ए ये लो रे, ये लो, बैठ जाओ। अम्मा बैठ कर खाओ, बैठो। खड़ी क्यों है, सिट डाउन। अच्छा लगा ना, खाओ। भैया मेरे बेटे के इलाज के लिए तुमने जो मुझे पैसे दिए थे ये मैं वापस कर रही हूँ, रख लो। देखो अम्मा, मैंने आपको जो पैसे दिए थे वो वापस करने के लिए नहीं दिए थे, ये पैसे आप अपने पास ही रखिए और आगे किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। अगर वो पैसे वापस दे तो उसको भी वही कहिए जो मैंने कहा, समझ में आया? सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ। रखो इसे, ये ले खा। भैया कुछ खाने को मिलेगा? भगवान तुम्हारा भला करे। हाँ ठीक है। अरे क्या हुआ, खाना खत्म हो गया, बस छूट गई, ट्रेन छूट गई? चल बुझ जा, घर पे जाके खाना खाते हैं, चल चला। ये बताओ तुम रोज इन लोगों को खाना बांटते हो क्या? अपना बिरयानी का ठेला है, जब कुछ बिरयानी बच जाती है तो इनमें बांट देता हूँ। ये ले पकड़। हमका लगा तुम ये रोज करते हो। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं तुझे अपने घर पे लेके जा रहा हूँ, हम वहीं जाकर खाना खाएंगे। ये जाम तेरे अच्छे काम के लिए, तूने लड़की की जान बचाई है। पियो पियो, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। आप वो शराब नहीं पीते क्या? नहीं नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती है, तुझे थोड़ी सी चलेगी क्या? नहीं, हम तो हाथ भी नहीं लगाते। दीदी अबे तेरा और इसका कलर मैच नहीं करता, तो तूने इसको दीदी काई को बुलाया? कोई रिलेशन है क्या तुम दोनों में? इनको देखते ही मुझे ऐसा लगा कि दीदी बुलाना चाहिए, तो बुलाया तुम्हें उससे क्या? दीदी तुम खाना खा। हेलो, खाना खाने के बाद इस प्लेट को उठा के फेंक मत देना, क्योंकि ये कड़क रोटी है, इसको ना सब्जी के साथ खाते हैं। ये किसी को नहीं छोड़ता। हमका लगा ये प्लेट है। मेरे लिए भी खाना ला रहे। जानते हैं हमें सूरज की तरफ देखकर खाना खाने में बहुत मजा आता है। इसका मतलब तो ये हो गया कि तू रात को खाना खा ही नहीं पाती होगी। अब ये फालतू की बातें छोड़ो और खाना खा ले, खा खा। आप हमें फालतू समझते हैं क्या? आप भी कोई अच्छे नहीं है, अपने पापा को टॉनिक की जगह दारू पिला रहे हैं। मेरे पिताजी ने अपनी सारी जिंदगी मुझे संभालने में लगा दी, अब इस उम्र में आकर उनको जो चाहिए वो मैंने उनको दे दिया, वो पीना चाहते हैं तो पीने दो, क्या फर्क पड़ता है? अब जब भूतों के जागने का समय है तो तू क्यों जाग रही है? जल्दी से ये खाना खा ले और सो जा। यहाँ पर? यहाँ पर गर्मी इतनी पड़ती है कि छत पर सोने से ही हवा लगती है, तो उस चारपाई पे सो जा, मैं नीचे दरी बिछा लूंगा, चला जा।
हमारे पापा हमेशा छोड़ते पकड़ते रहते हैं। क्या पीना? तभी तो लोगों ने उन्हें योग की सलाह दी। तुम योग नहीं करती क्या? हम कहीं करें? ए, योग करने से बॉडी के सारे स्पेयर पार्ट्स एकदम सही सलामत चलते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा ब्रेन ठीक से काम करता है और तुम्हारा दिमाग फालतू बातें सोचना छोड़ देता है। तो क्या हम तुम्हें दिमाग से पैदल नजर आते हैं बाबूजी? नहीं बाबा, योग करने से आदमी तंदुरुस्त रहता है। वो छोड़िए, हमका रंग मंदिर पर छोड़ दीजिए। वहाँ के दरवाजे पर एक महेश बाबूजी हैं, वो पहरेदार हैं। वहाँ से वो हमका अपने गाँव छोड़ाएंगे। यहाँ हम बहुत परेशान हो गए हैं। तू इतने से परेशान हो गई? जो कल है वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं है। हम क्या खाएंगे, कहाँ पर सोएंगे, ये सब पहले से ही तय होता है। भाग्य कभी बदलता नहीं है। तो तुम हमको हमेशा डांटते क्यों रहते हो? अरे डांट नहीं रहा हूँ, अपनी बात समझा रहा हूँ तुझे। उसी वजह से शायद तेरे दिमाग में कुछ तो घुस जाए। मैं कुछ कहता हूँ तू कुछ और समझती है। जल्दी चाय पी ले, तुझे जहाँ छोड़ना है मैं वहाँ छोड़ दूंगा। हमारा नाम है उषा। ये तो बार बार अपना नाम मुझे मत बता, मैं बोर हो जाता हूँ सुन के। आ गई तेरी जगह, चल। थैंक यू, तुम्हारा बहुत उपकार हुआ। ए, जरा रुक, इधर। यही है क्या वो महेश बाबू जो मोबाइल चेक कर रहा है? हाँ। ये रख ले। हाँ, जरूरत नहीं है। अरे रख बाबा, गांव तक पहुंच जाएगी तू। ठीक से जाना, फिर मिलेंगे। पता नहीं वो कहाँ चली, कहाँ पर थी। आई टेल यू। मेरे पास हाय, कहाँ थे तू? I'm sorry. ओ मेरा फोन, थैंक्स। चलो यार, ऑलरेडी इतना लेट हो चुके हैं। हमारा नाम उषा है, हमारा गांव कोरा जिला में बरेली है। हमारी माँ के एक भाई नीलकंठ ने देखो अच्छा कर रही है दिलाने का। ए, क्या कभी खाना नहीं देखा क्या? अगर गले में अटक गया और तू लॉकअप में मर गई तो इल्जाम हम पुलिस वालों पे आएगा, समझ गई ना? ढंग से कहा। वाह, तूने कितना अच्छा किया। वाह बेटा वाह, कमाल कर दिया तुमने। एक ही रात में तुमने अचानक कितना बदलाव कहाँ से आया? हा? सच बताऊं, मैंने तुमसे अच्छी एक्ट्रेस कभी नहीं देखी। हा? निशा, सच बता तूने इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे की? लास्ट नाइट तू अमिताभ बच्चन से मिली या नाना पाटेकर से मिली? पावर स्टार से मिली। चलो हमें अपने शहर वापस जाना है, चलो तैयारी करें। नो चांस, मैं यहाँ 3 दिन और रुकने वाली हूँ, तुम्हें जाना है तो चले जाओ। हुबली में रुकेगी? ये इस कॉस्ट्यूम के पैसे है, मैं इसे रखूंगी। ओके ओके। तुझे किस बात की कमी थी जो तूने ये काम किया गधे? भैया जी छोड़िए ना, छोड़िए ना। अरे भूल जाओ, वो तुम्हारे ताऊ हैं, बड़ों की बात का बुरा नहीं मानते। बचपन में कोई सर पर मारे तो उतना बुरा नहीं लगता था, पर बड़े हो जाने के बाद अगर कोई जरा सा भी छू ले तो सर भन्ना जाता है। दैट्स ऑल, अंदर का जानवर जागकर बाहर आ जाता है। सुब्बू सर, मैं पड़ोसी के गहने ही तो बेच रहा था। उसे बेचना नहीं कहते हैं, चोरी कहते हैं। तुम्हारे ताऊ ने तुम्हें सब तो दे दिया, फिर पैसे क्यों चाहिए? बिजनेस करना है किशन। आजकल तो पैसा कमाना बहुत ही इजी है,
और वो भी तुम्हारे जैसे नौजवान के लिए जिसके पास गांव में इतनी सारी जमीन पड़ी हो, वो तो चुटकियों में करोड़ों रुपए की डील कर सकता है। मेरे पास एक केमिकल फैक्ट्री का प्रपोजल तैयार है। अब हम अपने गांव के खेत में खाद की जगह जहर डालेंगे क्या? देखो, मैं गांव में केमिकल फैक्ट्री ही तो क्या, किसी और फैक्ट्री को भी नहीं लगने दूंगा, याद रखना। मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए, मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है। हिस्सा? कैसा हिस्सा बेटा? चाहे हमारा हिस्सा हो चाहे इनका हिस्सा हो, क्या फर्क पड़ता है? सारी जायदाद तुम्हारी तो है, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। नंदू चाचा, आप नहीं जानते केमिकल फैक्ट्री में कितना फायदा है। देखो, किसानों की प्रॉब्लम तुम नहीं जानते, उन्हें और बर्बादी की तरफ मत ले जाओ। जो दिक्कत हो हर दिन झेलते हैं ना, तुमने वो दिन देखे भी नहीं है। राजीव, राजीव, तुम्हारे जीजाजी मद्रास से यहाँ पहुँचने वाले हैं, उनके लिए कार भेज दो। नंदू, तुम कार लेके तुरंत स्टेशन जाओ। जी दीदी। लक्ष्मी, हाँ, किशन को नहला तो दिया ना? देखो, मैं अभी तक खुद नहीं नहाई हूँ, चलो चलो मैं नहा के आती हूँ। उस राजीव की और कोई कमजोरी है? बॉस, सरोज का फोन है। अभी जरूरी है? कोई संदेशा देना चाहती है। बोलो सरोज। नमस्ते। मुझे बेवकूफ बनाता है, नकली बिल देता है क्या भाई? यहाँ पर यही वो सूर्य है। हाँ? क्या है ये? ए बदमाश, तू इधर आ। क्या पाटिल जी, क्यों बे, इनसे तूने मेरी क्या तारीफ कर दी कि ये मुझे ऐसे बदमाश बोल रहे हैं? तूने इसे क्यों मारा? अरे नहीं पाटिल जी, दारू पी लेने के बाद ये शर्ट और लुंगी में फर्क ही भूल जाता है। पहले मैंने टांग नहीं अड़ाई थी, बाद में ऑपरेशन किया। तू क्या खुद को डॉक्टर समझता है? अरे इसमें डॉक्टर होने की क्या जरूरत है, इसे तो कोई छोटा बच्चा भी पीट देता। तेरी इन्हीं फालतू हरकतों की वजह से लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैंने तुझे अभी तक जिंदा क्यों छोड़ा है। पाटिल साहब, मुझ जैसा शरीफ लड़का आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलने वाला, क्या प्रॉब्लम क्या है उनको? वो तुझे काट डालना चाहते हैं। अरे तो उनको काट लेने दीजिए ना, वैसे बच्ची बहुत ही प्यारी है आपकी। सूर्या, आज अगर तुम ना होते। अरे छोड़िए पाटिल जी, बच्ची बेचारी रो रही है, आप जाइए 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 जाइए। आओ चले। बहन जी, ये खाओगे कहाँ है? यहाँ से सीधा जाओ आगे चाय वाले के बगल में। ये नोट नकली तो नहीं है? ओरिजिनल है। अरे उषा मैडम, तू गांव नहीं गई क्या? सिक्योरिटी गार्ड के साथ शॉपिंग कर रही है क्या? अरे नहीं, ये महेश नहीं है। अरे तो ये तेरे साथ क्या कर रहा है? ये अपने साथ चले के लिए पैसे देत रहा। ए चपड़ गंजू, ये एक लेडी पुलिस वाली है, तुझे थाने ले जाके ना काट डालेगी। इसे छुटकारा पाने के लिए क्या करूं? कितने हैं तेरे पास? चल निकल निकल। मैडम माफ करना। चाहे जो हो, गरीब के घर में लड़की नहीं होवे के चाहिए। उसकी चिंता तू मत कर, मैं छोड़ देता हूँ तुझे, चला बैठ। हम तोहरे साथ नहीं जाएंगे। ए ज्यादा नखरा मत कर, चल अब आजा बैठ जा, चुपचाप गाड़ी में बैठ। आगे भी बहुत सारा काम करना है मुझे, तेरी बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है। हाँ चल आराम से बैठ।
क्या जग्गी, कैसा है? मैं ठीक हूँ। और तेरे पापा दिखाई नहीं दे रहे? पापा मुंबई गए हैं। अच्छा, मुंबई से तेरे लिए कोई हीरोइन लाने गए हैं क्या? ए आजा आजा आजा, अपनी दुकान है, आजा, शर्मा मत। अरे इसके लिए कोई अच्छी सी ड्रेस दिखा दे, जा तू चॉइस कर ले। इतनी लड़कियों में तू अकेला कन्हैया, कौन सी पसंद है, ले ले। ये वाली ठीक है ना? अरे तू गोरी इतनी है कि तेरे पे हर ड्रेस अच्छी लगेगी। इसको दे दे रे। ठीक है भाई। क्या शंकर की दादी, सब ठीक है ना? अच्छा पिछले हफ्ते मैं जेल में गया था शंकर से मिलने, तो उसने ये पैसे दिए थे, कहा कि मैं तुमको दे दूं। वो वहाँ पर ठीक तो है ना? अच्छा मैं ये ले रहा हूँ। और तो सब ठीक है ना? अच्छा ठीक है, चलो खाना खाते हैं, आओ। ये मक्के की रोटी है, यहाँ की स्पेशल है, अच्छी है ना? तूने कपड़े खरीद के दिए, गजरा खरीदे, अब सिनेमा भी दिखाओ का? फिर बोलेगी कि मेरे साथ शादी भी कर ले। तेरे बरेली वाले हमेशा हम करके बात करते हैं। अरे तो हम नहीं तो और का बोले? ई कपड़ा खरीदते बखत हमका लगा तू सिलक की साड़ी खरीदेगा। तेरी वेडिंग में दे दूंगा। वेडिंग मतलब? अरे वेडिंग मतलब होता है लगन। हमारा लगन केकरा के साथ, जिसको भी तू पसंद करे। तो तू शादी करवावत हो? वैसा ही समझ ले, तेरी शादी से लेकर विदाई, सुहाग रात, बच्चे, नामकरण तक सारे काम करवाऊंगा। सलाम अलैकुम सूर्या भाई। वालेकुम सलाम, सब कुछ खैरियत, आप कैसे हैं? ठीक हूं। और बाल बच्चे? का शुक्र है, मिलता हूं। ठीक है ठीक है। तोहरा की उर्दू भी आवत है का? ये शहर ऐसा है कि यहाँ तरह तरह के लोग तरह तरह की भाषा बोलते हैं। ना दी नी दी एमएलए दू अन्नी वाड़ दे ये बाड़ नेनू। इका मतलब? अरे तेलुगु है ये, हम तुम कुछ नहीं, सब कुछ वो है और वो मुझ में। विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ सुहासिनी चौहान। अभी खाना खाओ। जुड़वा केला खाने से सुना है जुड़वा बच्चा होवत है। ये किसने बोला? हमारी दादी बोली। तुम्हारी दादी ने? हाँ तो खाओ फिर, देखते हैं, एक तुम संभाल लेना, एक मैं संभाल लूंगा। अरे तुम जुड़वा की बात करती हो, मैं तो बचपन से कोशिश कर रहा हूँ कि कटहल का एक पेड़ लगा दूं, पर वो है कि उगने का नाम ही नहीं लेता। सच कह रहा हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता है। अगर हम कभी तुमसे मिलने आए तो मिली हो ना? अरे क्यों नहीं, सूरज को देखने से तुम्हें कोई रोक सकता है क्या, आने का, मिलने का, निकल जाने का? अरे माया, तुमने कभी किसी से प्यार किया है क्या? हट, कभो नहीं, ये घिनौना पा हम नहीं करते। Hey, naughty girl. Okay, anyway, तुम्हारी भाषा में लव यू, मिस यू ये किस तरह कहेंगे? लव तो जानते हैं, ये मिस का होता है। ठीक है, लव यू बताओ। तुम हमारे प्राणनाथ। हाँ, हेलो हेलो, वन सेकेंड, मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। हाँ अब ठीक है, फिर से बोलो। ए जी सुनो, तुम हमारे जिया की धड़कन हो प्राणनाथ। अगर तुमने मना किया ना तो तोहरा के काला कुकुर काट खाएगा। What is this? काला कुकुर? मतलब काला जानवर। Okay. यहाँ के लवर्स के लिए ये जगह एक लव स्पॉट है, यहीं पर लोग साथ निभाने का वादा भी करते हैं और फिर उसे तोड़ भी देते हैं। ऐसा क्या? यहाँ की हवा ही ऐसी है कि लोग सब कुछ कह देते हैं, तुम्हारे मन में भी जो हो बिंदास बोल दो। ई जगह जैसन भी हो, हमारे मन में जो हो हम बोल दे। अगर तुम ई सोच रहे हो कि हम इंग्लिश पिंग्लिश में कुछ बोलेंगे तो भूल जाओ, हम तोहार चरणों की दासी बनकर नहीं रहेंगे। लेकिन हमारे मन में जो है हम बोल देते हैं, तुम हमारे प्राणनाथ हो। चुप, दोबारा ऐसा बोला ना तो उठा के फेंक दूंगा। मना किया तो देख लेना, हमारा काला कुकुर यानी जानवर तुम्हें काट खाएगा। अब ये कहां से बीच में आ गया? हमका जाने। हाँ तो उसे भी इसी में फेंक दूंगा। क्या? आए बड़े। ई हमारे शरीर मन सब कुछ तुम रख लो। रखना नहीं है, बोलो ब्याह। नहीं नहीं, ब्याह। ब्याह। तुम्हारा ख्याल रखूंगी, सुख से मर पाओगे तुम। सुख से मरूंगा मैं? अरे तुम मरने की बात क्यों करती है? अरे प्यार तो जिंदगी है, वैसे तुझे इतनी जल्दी क्यों है? पहले प्यार तो होना चाहिए, और प्यार को होने के लिए थोड़ा सा टाइम तो चाहिए। हम गरीब हैं इसलिए टाल रहे हो ना? अरे तो यार, प्यार के काबिल भी नहीं बाबू। तू भी ना हद कर देती है, ये प्यार किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, जो चाहे वो प्यार कर सकता है, ये अमीर गरीब क्या है? तो तुम प्यार करोगे ना मुझसे? इसका जवाब एकदम से नहीं दिया जा सकता, उसके लिए तो एक मिनट। हम ऐसे चिपके तब तो बोलोगे ना? ये किस लिए किया? वो ना ऐसे चिपक कर तुमसे कुछ पूछना था। जरा फिर से चिपको। का हम तो का कसकर पकड़ सकते हैं? इतना कसकर तो पकड़ा है, अब जो पूछना है पूछो ना। एक चुम्मी दोगे क्या? कोई देख तो नहीं रहा है ना, ठीक है ले सकते हैं। बैंक ने मेरी गारंटी पर आपको लोन देने की बात मान ली है, आप लोगों को अपने पेपर्स बैंक में रखने की कोई जरूरत नहीं है। फसल अच्छी होने पर अब आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप लोन वापस कर दें। अगर आप लोग राजी हों तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं लोन दिलवा दूंगा।
लेकिन फिर भी आप हमारे ये पेपर्स अपने पास रख लीजिए। रखो इसे। ये क्या है? ताऊ जी ने अपनी जायदाद पर किसानों को लोन दिलवाया, ये पेपर्स उन लोगों ने दिए हैं, देखो। तो उसका क्या फायदा? इन कागजात से तुम बैंक से लोन ले सकते हो। ए, फिर से बोल। बैंक से लोन ले सकते हो। सबो, तो अभी से लग जाते हैं। वो कैसे? मेरी पहचान का एक बैंक मैनेजर, इन पेपर्स को वहाँ गिरवी रखकर लोन ले लूंगा, और फिर जब बैंक का लोन नहीं चुकाऊंगा तो बैंक वाले पुलिस ले जाकर उन सबकी जमीनें जब्त कर लेंगे। गांव के किसान उसके खिलाफ हो जाएंगे और वो मिलकर राजीव के घर पर धावा बोलेंगे। हमारे जमीन के पेपर्स बैंक में गिरवी रखकर राजीव बाबू ने सारे पैसे हड़प लिए। कौन से पेपर्स? और वो पेपर्स कहाँ होंगे? बैंक के पास। धीरे धीरे हंगामा खड़ा हो जाएगा, पुलिस राजीव को पकड़ कर ले जाएगी, और जब वो तुम्हारे ताऊ को ले जा रहे हो तो तुम चुप मत बैठना, अपने ताऊ को बचाने के लिए कईयों को पीट डालना। दंगा भड़केगा और कोई तुम पर शक भी नहीं करेगा। उस राजीव की सारी इज्जत चुटकी में मिट्टी में मिल जाएगी। और बाबू, जब इंक्वायरी होगी ना तो बड़ी आसानी से बेल मिल जाएगी। वो बैंक मैनेजर पोल खोल देगा, जब कोई गवाह नहीं होगा तो राजीव जिंदगी भर जेल में ही सड़ेगा। तेरा ताऊ जेल की रोटी तोड़ रहा है और तू या मुर्गे की टांग तोड़ रहा है। गुड। सबकी अपनी किस्मत होती है बाबू। सुबह देखना वो बाहर ना निकलने पाए। अब वो जब मरेगा तब निकलेगा, ऐसे नहीं। ओह गॉड। उषा। अरे उषा मैडम। हेलो उषा मैडम, अपनी खिड़की खोलो, जल्दी खोलो जल्दी। ये क्या है? लाल लाल गाड़ी देखो, इंग्लिश म्यूजिक सुनो, डांस भी करो, पता नहीं क्या क्या देखना बाकी है। और ऐसा नहीं है, हमरा के भूख लगी है, खाना मिलेगा। ए रुकना। अरे वो सूर्या, देखता हूँ तू कहाँ तक जाती है, फैसला होकर रहेगा। सूर्या सूर्या, अरे ट्रैफिक जाम हो गया। भूख लगी है बाबू, भूख लगी है बाबू। अरे और कितनी एक्टिंग करेगी तू? हाँ, एक टेंट लगा के एक कुर्सी पर दुपट्टा डाल के तेरे सर पर नारियल फोड़ूंगा। अरे हद हो गई, पूरे शहर को मैं गोली टिकाता हूँ और तू है कि तूने मुझे गोली टिका दी। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। एक्टिंग कर रही है क्या? वो भी डबल रोल, इधर घूमती है तो उषा और दूसरी तरफ निशा, उधर लहंगा चोली और इधर जींस टॉप। जब मैं पहली बार मिली थी ना तो वही गेटअप था, तो मुझे उसी गेटअप को आगे भी मेंटेन करना पड़ा। तो कर मेंटेन, तेरे गेटअप के चक्कर ने सब हिला दिया। अरे ये मेरा फर्स्ट लव है, जब भी बॉल मारो कोई कैच नहीं करता, लेकिन तूने कैच किया। गेम शुरू हुआ नहीं कि बरसात आ गई। सॉरी, छुओ मत मुझे, पीछे हटो। सूर्या प्लीज। अगर मैंने तुझे अपने आसपास भी देख लिया ना तो मैं नहीं जानता मैं क्या कर बैठूंगा। मैं सूर्या हूँ, तूने मेरा एक रूप देखा है, दूसरा रूप नहीं देखा और देखना भी मत। सूर्या। वैसे है तो तू बहुत सुंदर लड़की है, मुझ पर डोरे मत डाल, चल निकल। सॉरी सूर्या प्लीज। सूर्या सूर्या। ए झाड़ू ठीक से लगा, सारा कचरा मुंह पर गिर रहा है, तू कोई भी काम ठीक से नहीं करता। कर रहा हूँ कर रहा हूँ। नमस्ते अंकल। अरे तुम कौन हो? उषा। उषा नहीं, निशा। तू तो यहाँ पहले भी आ चुकी है ना? हाँ अंकल। सूर्या, अगर सूर्या ने तुम्हें इन कपड़ों में देख लिया ना तो तुम्हें बहुत डांटेगा। डांट चुका अंकल, अब आप ही उसे समझाइए ना, मैंने कोशिश की तो वो नाराज होकर चला गया। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, वो किसी वजह से ही नाराज हुआ होगा ना, तुमने जरूर कोई हरकत जिससे वो भड़क गया। और अंकल, अंकल? अरे जल्दी से पानी लाओ, इन्हें अस्पताल ले चलो अंकल।
ये दो खोखा है। सूर्या कैसा है? जी मैं ठीक हूँ। ये ले और निकल, आओ बैठो। नहीं कोई बात नहीं। ए, हाँ। अरे सूर्या आया है, हाँ। जाओ कुछ खाने पीने के लिए, हाँ, लाओ, हाँ। जल्दी लाओ। चलिए ना, ठीक है। पाटिल जी मेरे पापा, उन्हें क्या हुआ? अचानक छाती में दर्द हुआ, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूँ पाटिल जी, उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं सूद भी चुका दूंगा आपका। ये देखो हमारे पास कैसे कैसे काम आते हैं, तुम सूद मत दो, बस ये काम कर दो। करना क्या होगा? इसे जेल में ही मारना है और 15 लाख तुम्हारी जेब में। 4 लोग और इसकी सुपारी ले चुके हैं, जो पहले मारेगा रोकड़ा उसका, लेकिन बहुत सोच समझ के ये काम करना। इस काम से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। ये काम मैं जरूर करूंगा। कब जाना है जेल? आराम से आराम से, जेल जाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए मुझे सारा इंतजाम करना पड़ेगा। नमस्ते सर, कैसे हैं? ठीक चल रहा है? मैं तो सेवक हूँ, मेरा एक बच्चा वहाँ जा रहा है, जरा उसके जेल जाने का इंतजाम कर दीजिए। सूर्या तू जा। थोड़े पैसे मुझे अभी चाहिए। तू जा, वो मैं देख लूंगा, काम खत्म होते ही तू मुझे फोन कर। खुद को समझता गया है, जेल में हुड़दंग मचाएगा तू? कौन सी गैंग में काम करता है? ये किसी गैंग में नहीं, मेरा बेटा है सूर्या। ठीक है चलो यहाँ से। सूर्या हाथ मत लगाइए। देखो मैं तेरी नाराजगी की वजह अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन वो औरत जो तेरी माँ है, क्या तू उससे भी मिलना नहीं चाहता? अब उस प्यार का कोई मतलब नहीं, आप तो मेरे दुश्मन हैं। ये प्यार जताकर अपना कैरेक्टर मत बदलिए, इससे कहीं आपकी इज्जत ना कम हो जाए। समाज में इज्जत पाने के लिए बहुत बलिदान देने पड़ते हैं, यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता था, इसीलिए सख्ती की। तो क्या गलत था? गलत? आपने बिना मेरी बात सुने मुझे मारा था, वो गलत था। आपने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया मरने के लिए, क्या वो सही था? अपने बेटे को छोड़कर मैंने किशन को अपनाया था,
तो उसकी वजह थी कि तुम जिंदगी में सबक सीख सको। अच्छा ये सब छोड़, ये बता कि तूने मुझे बचाया क्यों? क्योंकि मैं आप जैसा नहीं हूं। अरे हाँ, यहां किस जुर्म में आए हो तुम? आराम करने आया हूं। ये कोई रिजॉर्ट है क्या जो आराम करेगा? आप यहां पर क्यों आए हो? यूं कह लो समाज सेवा। अरे ओ मवाले, गुंडे कहीं गए? तुम्हारा काला पैसा नहीं चाहिए, इसे ले जाओ, मुंह काला करो, जाओ यहां से। चले जाइए प्लीज। भगाओ इन्हें। अंकल आप शांत हो जाइए, आप लोग जाइए प्लीज, जाइए, चले जाइए। अंकल बेटी तुम मुझे किसी भी तरह जेल ले चलो। राजीव पर किसी ने जेल में जानलेवा हमला किया है, कौन होगा वो? किशन कुछ पूछ रहे हैं, बताओ। और कौन? वो मैं हूं। अरे ये तो बड़ा ही छुपा रुस्तम निकला, अगर कल हमने कुछ किया तो ये हमारी भी सुपारी दे देगा। सुन ए बाबू, मेरा ताऊ बचना नहीं चाहिए, समझा? अरे मेरे बाप, पहले तो ये सुपारी कैंसिल कर, अपने लोगों को फोन कर और इसे कैंसिल कर। एजी यहाँ का खाना ठीक तो है ना? मैंने आज तक तेरे हाथ के बनाए खाने के अलावा कुछ खाया नहीं था जिसमें स्वाद ही नहीं था। यहाँ का खाना सुपर है। आपकी मजाक करने की आदत नहीं गई। बस दो दिन भैया, बेल हो जाएगी। ऐसे में वो ताकत है जो बेल भी करा देगी। जैसे मैं जेल में आया हूँ उसी तरह से बाहर भी निकल आऊंगा, आप मेरी चिंता मत कीजिए। अगर हमारा बेटा यहाँ होता तो आपको इस तरह इस जेल में कभी नहीं रहने देता। अरे बीता हुआ समय क्यों याद करती हो? तुम क्या चाहती हो, किसी का खून करके अंदर जाऊं क्या? भैया को देखो जरा, इतने तो हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, तुम भी ना। भैया मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही। सुनिए, अगर हमारा सूर्य आज हमारे साथ होता तो वो भी उसके जैसा दिखता ना? वो उसकी तरह ही नहीं, वो हमारा सूर्य बेटा ही है। सूर्य? ए सूर्य इधर आना। भैया मजाक तो नहीं कर रहे, क्या वो सच में हमारा सूर्य है? ए, जो मुझे मेरा नाम लेकर बुलाए वो और कौन हो सकता है, वही है सूर्य। सूर्य कितना बड़ा हो गया, सूर्य इतने साल तू कहाँ रहा मेरे बच्चे, हाँ तुझे कभी मेरी याद नहीं आई क्या? सूर्य मत रो माँ। और हाँ नंदू चाचा, सब कुछ ठीक है ना? लेकिन तुम यहाँ कैसे? भैया, ए भैया, राजीव जी की बेल नहीं होगी क्या? नहीं, कोर्ट को डर है कि सबूतों को पैसे के बल पर मिटा देंगे, दो दिन में बेल हो जाएगी। भैया इससे पूछो ना, ये अंदर कैसे आया? बचपन से ये नहीं बदला, जो जिस नेचर का होता है वो वैसा ही रहता है, इसके बारे में क्या पूछना, छोड़ो इसकी बातें। चुप रहो भैया, तू कैसे जेल में आया? पापा इधर आइए। पापा ये मेरी माँ है और ये है नंदू चाचा, मेरी माँ के पति हैं। ज्यादा होशियारी मत दिखा, ठीक से बोल। अगर ये तेरी माँ है तो मेरी वजह से तू है इस दुनिया में। बाप को बाप बुलाकर समझे, शर्म नहीं आती तुझे? आपने इतने सालों तक इसका इतने अच्छे से ख्याल रखा, आप भगवान हैं। अरे नहीं नहीं, आप लोग बड़े हैं, ऐसा मत बोलिए, ये तो आपका बच्चा है। भैया एक बात बताइए, हमारा सूर्य जेल में क्यों है? भैया ये सब मेरी वजह से। इन्हें संभालो, मुझे दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल ले जाइए। आप चिंता मत करिए, आइए आइए, चलिए चलिए संभाल के चलिए। सुनिए मैं अभी आती हूँ। सूर्य अपने पिता का ख्याल रखना बेटा। जो अपना ख्याल नहीं रख सकता वो मेरा ख्याल क्या करेगा? यहाँ सब बराबर है, यहाँ सबको चावल, सबको रोटी, सबको दाल एक बराबर मिलता है। चलती हूँ। तू उसकी बिल्कुल चिंता मत कर, हमारा नंदू है ना, सब कुछ संभाल लेगा। अच्छा ये बता, इसे आखिर हुआ क्या है, ऐसे घूर क्यों रहा है मुझे? मैंने सिर्फ बीमारी के बारे में पूछा है, अगर ये बेचारा गरीब ना होता तो अच्छे अस्पताल में इलाज हो पाता। वो गरीब जरूर है पर मेरे भगवान है।
तो मैं दाना हूँ क्या? ए, तुझे अपने बाप से इतना प्यार है क्या? मेरी तरफ देख के बात कर, ज्यादा गर्मी मत दिखा। मैंने तो इसकी बीमारी के बारे में ही तो पूछा था। टाइम हो गया है। ए, इतने सालों बाद तो ये मिला है, अभी तो इसका हाल चाल भी नहीं पूछा तो तूने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। रुकना, एक चीज बता, इसका गुजारा कहाँ से चलता है? वो भूखों को खाना खिलाता है। और मैं क्या भूखे नंगों को नहीं पालता? वो बहुत ही सिंपल आदमी है, आपकी तरह समाज सेवक नहीं है, जो नाम कमाने के लिए अपना सब कुछ दे दे और जेल भी चला जाए और खुश रहे। हम लोग हवेली वाले लोग हैं, हम लोग सिर्फ देना जानते हैं और फिर वापस लेने की कोई भी उम्मीद नहीं रखते। सही कहा, वही आपकी खुशी है तो खुश रहिए। एक हफ्ते के भीतर मैं आप लोगों के पेपर ले आऊंगा, चाहे पुलिस वाले हो बैंक वाले हो, मैं बात करूंगा। आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरा यकीन करें। मुखिया जी, जब हमें राजीव जैसे ने धोखा दे दिया तो हम किसी अनजान पर भरोसा कैसे करें? अरे नहीं बहन, ये कह रहा है कि बैंक में हमारे पैसे जमा करके हमारे जमीन के पेपर्स वापस लाएगा, तो भरोसा क्यों ना? केवल बाबू की जय! केवल बाबू की जय! केवल बाबू की जय! केवल बाबू की जय! ए केवल बाबू, तुम हम सब किसानों के पेपर्स वापस लाके दिखाओगे? ऑफ कोर्स, 100% लेकर आऊंगा। केवल बाबू की केवल, ये जयकार सुनाई दे रहा है। बाबू की केवल, बाबू की केवल, बाबू की खुश तो बहुत होंगे। इसको देखने के लिए मेरा दुश्मन मेरे सामने होना चाहिए। अगर वो जेल में रहा तो क्या मजा आएगा। बुलाओ राजीव को, यहाँ बुलाओ। कानून को तुम क्या समझते हो कि जब चाह जेल गए और जब चाह बाहर आ गए? ट्राई करता हूँ। सूर्या, मेरी तो बेल हो गई, मैं जा रहा। तुम्हारे केस में अगर तुम चाहो बेल करवा सकता हूं। आप अपनी चिंता कीजिए, मैं तो अपनी मर्जी से जेल में आया था और अपनी मर्जी से ही जाऊंगा। मिलते हैं भाई। सुनिए राजीव जी, जरा होशियार रहना। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था राजीव बाबू, हमने तो तुम्हें ईमानदार समझा था और तुम दगाबाज निकले। ए, गंदी नाली के कीड़े, मेरी ईमानदारी को तू क्या समझेगा? चल हट। नंदलाल, फार्म हाउस ले लो। क्यों भैया? अब इस गांव में कभी कदम नहीं रखूंगा। चलो गाड़ी चलाओ। सूर्या, जिद मत करो बेटा, तुम्हारे पापा भी हवेली नहीं गए, वो सीधे फार्म हाउस चले गए। तुम भी वापस जाना चाहते हो, जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे सामने ही हुआ है, ये ठीक नहीं है। अब सूर्या, क्या वापस जाना जरूरी है? हम यही रहेंगे। ए, क्या जानती है तू? राजीव कौन है जानती है तू? बहुत बड़ा डॉन है वो। ना मत कहो सूर्या, तुम्हारे पापा की खोई हुई इज्जत कौन वापस लाएगा? मेरे पति की जिंदगी खतरे में, पता नहीं वो बच पाएंगे या नहीं। गाँव के लोग उनके खिलाफ हो गए। कौन खिलाफ है, नाम बताओ उसका, किसकी हिम्मत है? भाभी, तुम भी किस तरह की बातें कर रही हो, चुप रहो। देखो सूर्या, हवेली का समय ठीक नहीं है, उस घर का बेटा होने के नाते तुम्हें फैसला करना होगा। तू तो उस घर का बड़ा बेटा है ना? बेटा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तू तो बहुत समझदार है, इस तरह बैठे मत रहो, चुपचाप उनके साथ जाओ। ठीक है, तुम पापा को यहाँ लेकर आए हो, वो मुझ पर एहसान है, मैं वो चुकता करूंगा। चाहे ऐसा क्यों कह रहा है बेटा? मैं चलूंगा, लेकिन हाँ। मैं हवेली का बेटा हूं, ये पता ना चले। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। मैं गांव तो जाऊंगा लेकिन राजीव जी के घर नहीं जाऊंगा। नंदू समझाना। ठीक है ना, ये जा रहा है ना, वही काफी है। मैं अपना वादा निभाऊंगा। अब राजीव बाबू इस गांव में पैर नहीं रखेंगे। अब यहाँ क्या रखा है, उसने सब कुछ तो अपना गांव को दे दिया। अनाथों के लिए अनाथ आश्रम बनवा दिया, बच्चों के लिए स्कूल बनवा के रख दिया, गरीब किसानों को जमीन दान में दे दी। अब उसे इज्जत देने की जरूरत क्या है जब उसके पास कुछ बचा ही नहीं? फिर हमारी जमीन बैंक में गिरवी क्यों रख दी? हमारी जमीन कहता है? अरे उसने अपनी जमीन ही तो किसानों को दान में दी थी, बात करता है। यही बात आप उनसे भी कह सकते हैं, वो हमारी बात कहाँ सुनते हैं? सुनना पड़ेगा, वो वक्त भी आएगा। ऐसा नहीं है कि राजीव जी का कोई वारिस नहीं है, उनका एक गबरू जवान लड़का है, उस हवेली का वारिस, वो आएगा।
और तुम सबको सुनना पड़ेगा। इस बार की ये धार्मिक यात्रा केवल बाबू और हवेली के वारिस किशन के नाम है। वो बीवी के पल्लू में भी छिप जाए तब भी घसीट लाऊंगा, मुझे उस पर विश्वास नहीं है। आप सब ने मुझ पे जो विश्वास दिखाया है मैं उसे पूरा करके दिखाऊंगा। अगर बिल में छुपा होगा तो भी खोज कर लाऊंगा। इस साल होने वाली यात्रा पर आप लोगों का एक भी पैसा नहीं लगेगा। ए, उससे तो मैं एक एक पैसा निकलवा लूंगा, तू समझता क्या है? तेरी बैंड बजा दूंगा। तू है किधर? के बाद से आप hey, सारी hello, मुसीबतें hello? मिली हैं। फोन काट दिया उसने, नहीं तो उसको नानी याद दिलाता मैं। आपके इस प्यार को मैं बेकार नहीं जाने। हमारे गांव में किसी को फिक्र ही नहीं है। हमारे राजू बाबू को जेल भेजकर ये खुद ही राज करना चाहता है। चुप रहने के अलावा और कर भी क्या सकता हूँ? तुम लोगों का साथ चाहिए। इस यात्रा की शोभा तभी बढ़ती है जब राजू बाबू की हवेली से गहने वगैरह लाए जाते हैं। अब वो कौन लेकर आएगा? हवेली का बेटा यही मौजूद है पंडित जी। ये लड़का हवेली का बेटा नहीं है, राजू बाबू का बेटा तो सूर्या है, मेरा लंगोटिया यार। पता नहीं कौन है ये। ए पागल, अंधा हो गया क्या? बैल की तरह सींग उठाए भीड़ में घुसा जा रहा है। गंगा थाई पुलाव होटल मालिक गंगा उर्फ लवंगा। तुम्हारा नाम लवंगा है क्या? मैं जब मारपीट करता था तब ये लोग मुझे लफंगा कहते थे। यहाँ आया तो यहाँ के लोग फन ही बोल पाते हैं, तो यहाँ के लोग मुझे लंगा लंगा बुलाने लग गए। तब से लंगा नाम से फेमस हूँ मैं। गुंडे थे और क्या तुम? हाँ, कसम ले लो, पीछे चाकू का निशान दिखाओ तुम्हें। रहने दो, चलो। थाई पुलाव, इसका ये नाम क्यों है? इसी पुलाव की वजह से मैं गुंडा बन गया सर। वो मेरी एक माँ है, बाप नहीं है। तो तू टेस्ट ट्यूब बेबी है? अरे अरे नहीं सर, मैं मरा तो मेरा बाप, अरे जब मेरा बाप मरा था तब मैं पैदा हुआ था सर। बाप कौन था मैं नहीं जानता सर, वहाँ बोल वाला था मेरा। मेरे आने पर लोग थरथर थरथर कांपते थे। मतलब तू बड़ा दबंग था। और क्या, जानते हो उसके बाद क्या हुआ? मेरी माँ ने एक भंडारे का ठेका लिया था, मैंने यही पुलाव बनाया था। खाते हजारों लोग मुझे ढूंढने निकल पड़े। बस उसी दिन बस मेरी माँ मर गई। मेरे माँ ने सोचा कि मैं मर गया हूँ। बस मुझे गुस्सा आ गया, उसी गुस्से में मैंने एक को टपका दिया और जेल चला गया। जेल के बाद कोई बदलाव नहीं आया? बदलाव आया सर, लौटने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि गुंडागर्दी छोड़कर कुछ और किया जाए। तो मैं ये बनाना जानता था, तो बस इसी के नाम पर ये थाई पुलाव होटल खोल लिया। ये थाई तो किसी भी एंगल से नहीं है। तो एक काम कर, 5 किलो चिकन ले गया जा, और अपने होटल को वेजिटेरियन की जगह नॉन वेजिटेरियन बना ले। अरे सर, कितना ज्यादा बिरयानी बना दिया आपने। टेस्ट करी से, टेस्टी है ना? वाह सुपर सर, आपने ये बनाना कहाँ से सीखा? ऐसी बिरयानी खाए तो मुझे सालों हो गए। जिस खिचड़ी को थाई पुलाव बोलता था उस खिचड़ी को तो जानवर भी ना खाए। आज से रोज 1 घंटा यहाँ आकर इस तरह की बिरयानी बना के जाओ ना सर। अब इस होटल का नाम बदल के क्या रखूं मैं? रागिनी बिरयानी सेंटर कैसा रहेगा सर? ए, इस होटल को खोलने के लिए तुझे पैसे किसने दिए थे? हवेली वाले राजीव बाबू ने। तो उन्हें के नाम पे रख दे। अरे बिरयानी उनके नाम पर? तो और क्या, हवेली वाली बिरयानी सेंटर रख देने का, कोई बवाल हुआ तो मैं हूँ ना। तो ठीक है सर, तो इस बिरयानी का कितना दाम रखूं सर? अरे वो तो ये गाँव वाले जितना दे पाए उतना रख दो। 350 रुपया रखूं क्या? उसमें से 100 रुपया कम कर दे। ओह, अब तो तुम्हें मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं है, नाम तो सुना ही होगा मेरा। केबल बाबू, जिसे मैंने लात मारी थी तू वही है ना? मुद्दे की बात कर। तू ये जोकर देख रहा है ना, इस जोकर की तरह मैं जहां चाहूं तुझे वहां इस्तेमाल कर सकता हूं। अब तू यहां का बादशाह नहीं रहा। जिन्होंने तुम्हें 7वें आसमान पर बिठा दिया है वही लोग धूल भी चटा देंगे। तो जिससे आया है वो बोल। तुम्हारे गांव के लोगों ने कुल देवता की पूजा अर्चना के लिए तुम्हारी जगह मुझे चुना है। कुल देवता की पूजा वही कर सकता है जिसका समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा और योग्यता हो, समझा? चल खड़े हो जा, जल्दी खड़ा हो जा।
जा जल्दी कर। अब इस कुर्सी पर तुम बैठो, बैठो। बताओ क्या चाहते हो? देवता के आभूषण आपके यहाँ हैं, उत्सव में उसकी आवश्यकता है। नंदू बाबा, इन्हें जो चाहिए वो इन्हें दे दो। जी भैया। कोई सवाल नहीं, इन्हें दफा करो। भैया सारे दे दो। सारे आभूषण मैं संभाल के रखूंगा। चुप कर। जब देना ही था नखरा क्यों? तो सामान मुझे ही दे देता। ए, 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 सुन, चुप कर। सुन, बात हो गई ना, चल जा, भाग जा। ए पंडित उठ। जैसी आप। चलो सब लोग, चलो चलो चलो। भैया ये लोग आप पर आज भी भरोसा करते हैं, आप क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं? हर समय वो तुम्हें धुतकारता रहता है और फिर भी तुम लोग भिखारियों की तरह उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हो। हाँ, अगर मेरे साथ कोई ऐसा करता तो मैं उसके गले में फंदा लगा देता। अरे अच्छा काम करने में अड़चने तो आती ही हैं, उसकी चिंता मत करो, तुम अपना काम करो, हम तो तुम्हारे साथ है ना। पीपल बाबू। जी बॉस। मुझे ऐसी लाल कार चाहिए। क्यों? अगर हम चार लोगों को पीट दे तो लोग सोचेंगे कि राजीव ने उन्हें पीटा था। राजीव बाबू आए। तुम्हें कैसे पता कि राजू ने तुम्हें पीटा है? लाल गाड़ी, पूरे 10 गांव में किसी के पास ऐसी लाल गाड़ी नहीं है। सही है सर। ये बात तो साफ हो गई, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे सपोर्ट किया तो राजीव को ये बर्दाश्त हाँ। नहीं हुआ, इसीलिए उसने ये किया। अब हम राजीव बाबू को छोड़ेंगे नहीं। कानून को सबूत चाहिए, उसे पीटते किसी ने देखा है? तो हम लोग क्या आपसे झूठ बोल रहे हैं? आरती लो लक्ष्मी, देवी तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर करेगी। पति तो छूटकर आ गया है ना, अब तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? आप सही कह रहे हैं, मेरा बेटा सूर्या जो चला गया था वो वापस आ गया है। खुशी की बात है, भगवान ने फिर से तुम्हारी सुन ली। लेकिन वो हवेली नहीं आया। वो आएगा, देवी का आशीर्वाद उसके साथ है, वो जरूर आएगा। बेटा तो मिल गया है पर उन्हें बाप नहीं मानता, और पति पर लगा हुआ कलंक मिटा नहीं है। दुष्ट का नाश करने के लिए भगवान अवश्य अवतार लेंगे, सब ठीक होगा, तो निश्चिंत रहे। जाके देख पहिए के नीचे कुछ अटका हाँ, तो नहीं है, हटा दे उसे। ये इतना आसान नहीं कि तुम इसे सरका लो, ये रथ हवेली वालों ने बनवाया था, उन्हीं को बुला कर लाओ, जाओ। यहाँ है ना हवेली वालों का लड़का किसन। हाँ? ये वो नहीं है। वो फिर कौन है? राजीव बाबू का बेटा, हवेली वालों का लड़का। ओ, अब वो कहाँ से आएगा? आएगा नहीं, आ चुका है, बस उसे यहाँ आने की जरूरत है। जब वो आएगा तो ये रथ आगे चल पड़ेगा। चलो देखते हैं, जाओ जाओ इसको गाड़ी में ले जाओ, जाओ देखते हैं वो कौन आ रहा है, इंद्र है, चंद्र है या सूर्य है। भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, मनुष्य चाहे जो भी सोच ले, अंतिम निर्णय उनका ही है। हम तो बस उनके हाथ की कठपुतली हैं, हम सब की डोर उसी के हाथ में है, हमारे पाप और पुण्य का हिसाब किताब सिर्फ वो ही करता है। Thank you.
सूर्या, सूर्या, ये सूर्या। हाँ दीदी, हमारा सूर्या। सूर्या, तू कितना बड़ा हो गया है रे। देखो बेटा, अब ये हवेली छोड़कर कभी मत जाना। कितने सालों कहाँ रहे सूर्या? हुबली। अपनी पुरानी दुश्मनी याद है या भूल गए? किशन, मामी, ये सूर्या ही था जो पहले लड़ाई हमेशा शुरू करता था। अब फिर से लड़ाई शुरू मत कर, समझ में आया? चुपचाप खाना खा। देखो जरा मुझे कैसे घूर रहा है। ए, एक निवाला और खा ले। भैया, भाभी का फोन है, सूर्या हवेली पर आया है। बोलो। सुनिए, सूर्या हवेली पर आ गए हैं। तो मैं क्या कर सकता? आपको कैसे बताऊं, मैं कितनी खुश हूँ। लेकिन मुझे दुख हो रहा है, फोन काट दो। सूर्या हमारी बात मान गया। अगर घर नहीं आता तो और कहाँ जाता, बता? वो यहीं पैदा हुआ है और यहीं मरेगा। आपको उसके आने से खुशी नहीं हो रही है क्या? इसका जवाब मैं समय आने पर दूंगा। इतना सारा पैसा मैंने इसीलिए खर्च किया कि उस हवेली के लड़के का नाम हो। तुम इतना परेशान क्यों होते हो? उत्सव तो बहुत अच्छे से हो गया ना। ऐसा नहीं है मामा, ये हुबली में बिरयानी बेचता है। तुम्हें कैसे पता? एक बार ये मुझसे भिड़ चुका है, इसने मुझे पूरी तरह पीटा था। बाप ने मुझे पीटा और लड़के ने तुझे। उसे नहीं छोड़ूंगा, उसका वो हाल करूंगा कि मौत भी रोएगी। नमस्ते। नमस्ते। ए मुखिया, बैठ जाओ। हवेली वालों को देखकर हमें खड़े होने की आदत हो गई है। मुखिया, जिनकी कोई इज्जत नहीं उनके लिए क्या खड़े होना, ध्यान मत दो, बैठ जाओ। तू क्यों आया? तुम भी बैठ जाओ, बात करनी है। इसका मतलब नहीं है कि तुम हवेली से हो तो तुम भी बड़े हो जाओ। आज तक मैंने इस तरह से नहीं सोचा। ये तो लोगों का प्यार है और प्यार से मिली हुई इज्जत को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। हे, ये है तेरी औकात। औकात। औकात इसे कहते हैं, बहुत जमाने से हवेली की यही औकात है। ये नौटंकी वाली कुर्सी, तेरे बाप की करतूतों के वजह से ही ये मीटिंग हो रही है। राजीव जी ऐसे आदमी नहीं है जो किसानों से बेईमानी करे। अच्छा, तो क्या सत्यवादी हरिश्चंद्र है तेरा बाप? लोगों का हीरो है वो। ए, तेरा बाप विलन है। मेरा बाप सिर्फ मेरे लिए विलन है, और कोई उसे छुएगा भी तो उसके लिए मैं विलन बन जाऊंगा। अब मैं हीरो बनकर क्या करूंगा जब विलन ही कमजोर है? ए बाबू, अगर तू भीगी बिल्ली की तरह रहा तो ठीक है, अगर तूने शेर बनने की कोशिश की ना तो बुरी तरह पीटूंगा तुझे। जितनी जल्दी हो सके गांव खाली कर दे। अब आपको अगले महीने आना पड़ेगा। मैं कितना भी लड़खड़ाऊं, मुझ में अभी भी खुद को संभालने की ताकत है, समझे? मुझे तुम तब संभालना जब मैं तुम्हें संभालने को कहूं। चलो। क्या चाचा, क्या हुआ है राजीव जी को? जब से जेल से आए हैं टेंशन बढ़ गई है, उसी चक्कर में थोड़ा। राजीव जी को लोहे की तरह रहना चाहिए, टेंशन उन्हें सूट नहीं करता। कोशिश करो थोड़ा कम पिए। जैसे तुम दोनों मेरी ही बात मानते हो, अब मैं उनको क्या समझाऊंगा। बात करते। सूर्या प्लीज मान जाओ ना, प्लीज। ए, उसकी बात क्यों नहीं मान जाते हैं? ए नंगे, अब नहीं लंगे यार, खतरनाक है ये, उससे भी खतरनाक है। डबल रोल है ये। ऐसा ऐसी दिखाई तो नहीं पड़ रही है, तो क्या ताजमहल जैसी दिखनी चाहिए? अरे नहीं लंगा, तुम नहीं जानते कि इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। अब बताई दो ना। मैंने अपना स्टाइल चेंज किया, मैंने अपनी हैबिट छोड़ दी। पहले मैं हाफ पिया करती थी। अरे नहीं नहीं, वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए, कोई कभी अच्छी आदतें छोड़ता है क्या? आप कंटिन्यू करो प्लीज। करेक्ट, तो लेकर आओ। क्या शराब? पहले वेज फिर नॉन वेज, अब बार एंड रेस्टोरेंट, ड्रिंक्स नॉट अलाउड इनसाइड। हेलो, अब तो मैं यहीं पर पीकर दिखाऊंगी। लो झेलो, ये लो, इसे पीकर मर भी जाओ तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। चकना बोलो, बोटी फ्राई, तंगड़ी कबाब, भेजा फ्राई, गुर्दा फ्राई। ए इसको मुर्गी के स्पेयर पार्ट्स मत बेच, जा काम कर। अरे पानी दूं?
पानी के साथ पीने से उल्टी आती है, नहीं चाहिए, नीट पीना है। बेवड़ी कहीं की? निशा, एक थप्पड़ मारूंगा तो दीवार पर जाकर चिपकेगी, चल फेंक इसे। तुम मेरी पति हो क्या? लंगा तू पी ले। थैंक्स, आप बोलती रहो। देखो मैं कमिट नहीं करती, अगर कभी कर दिया तो मैं अपनी भी नहीं सुनती। हाँ तो मत सुनना। हाँ? लेडी सलमान खान बनने चली है, चलो उठा और घर जा। हाँ? मतलब क्या तुम्हारा? हम लोग वो लोग हैं जिन्हें बिना ब्रांड देखे आंख मूंद कर दारू पीनी चाहिए, हमारा नसीब ही ऐसा है। हम चाहते हैं हीरोइन जैसी लड़की, पर हमें चुड़ैल से ही काम चलाना पड़ता है। जो सड़ा गला मिल जाए उसे मना मत करो, लव इज ब्लाइंड यू नो। नीट पीने से कलेजा जल जाता है, दिल नहीं। ए विलन, तेरी छमक छलो मेरे पास है, उसकी फिल्म बनानी है इसलिए तुझे फोन किया है। तू अकेला ये शो देखने आएगा या पूरे गांव को साथ लाएगा? यहाँ का एड्रेस तू नोट कर ले। औरत के पीछे छुपकर वार करने वाले को क्या बोलते हैं? ए, चल मुँह खोल। ए, होश में आ। छोड़ दो मुझे। ए, ये कोई दारू है? पानी मिक्स करता है इसमें। नीट ला, नीट ला। जब मैं नॉर्मल होता हूँ तो तेरे जैसों का मुंह तोड़ता हूँ, और जब दारू पी लेता हूँ तो साथ में हाथ पैर सब तोड़ देता हूँ। अब तू आ। तू क्या मुझे बैक से मारेगा? फ्रंट फ्रंट से वार कर। चकना वकना नहीं है क्या? ये छोड़ भी ना। नमस्ते मैडम, बस एक मिनट। दारू पीने के बाद कमजोर बांस से चोट नहीं लगती, रॉड लेके आ, रॉड। मैं पीता नहीं हूँ निशा मैडम, उन्होंने जबरदस्ती पिला दी। दारू पी के मैं गाड़ी नहीं चलाता, पुलिस द्वारा पकड़ लेता है। तुम ना कस के हैंडल पकड़ो, मुझे भी कुछ पकड़ना चाहिए। हाँ मिल गया। इस हाथ से तुम क्लच दबाओ और गियर लात से। ओ उषा, उषा, उषा। हाँ। मैं हूँ उषा फैन। ठंडी हवा। ए, ये तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो?
मेरी इज्जत लूटने के लिए किसी गेस्ट हाउस में तो नहीं ले आई ना? तुम मेरे भोलेपन का फायदा मत उठाना। ए, वकील! अरे अभी प्यार हुआ नहीं और डिवोर्स लेने के लिए आगे। ए, सुनो, ये केस मत बनाना, अभी तो लव शुरू हुआ ही नहीं है। यहाँ पे गाड़ी पार्क मत करना। गुरु, मैं आ रहा हूँ। क्या निशा, अभी तो मैंने छुआ भी नहीं है, साथ रहे ही नहीं तो डिवोर्स क्यों चाहिए? मेरे पापा सुब्रमण्यम जी, क्रिमिनल लॉयर। हाँ, क्रिमिनल पापा, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। सिक्योरिटी सर, ये थर्ड क्लास आदमी अंदर कैसे आ गया? ओए, यहाँ थर्ड क्लास आदमी कौन है? यहाँ तो हम दो है, तू खुद को हाई क्लास बोलता है। माइंड योर हिंदी लैंग्वेज। I also talk Hey security, वहाँ क्यों खड़ा है? इसे जल्दी बाहर निकालो। निशा, मैं इसे एक नीचे और एक ऊपर दूंगा तो ये पराठे जैसा बन जाएगा। क्राइम के बारे में तुमसे मैं ज्यादा जानता हूँ। Am I right lawyer criminal? ये लुच्चा तुम्हारा फ्रेंड है? क्या लुच्चा किसको बोलता है तू? हा? ये वो नहीं है, लुच्चे आप हैं। आप पर मुझे बहुत अभिमान था। लोग मुझे एक मशहूर क्रिमिनल लॉयर की बेटी के रूप में जानते थे। हेलो मैडम, वाटर प्लीज। पर आज आपने क्या किया? हाँ, ओरिजिनल वाटर है। आज आपने किसी को फोन पर रेप करके बचने का तरीका बताया, एकदम सुपर आइडिया दिया था। कमाल है पापा, कमाल है। जिसका रेप होने जा रहा था जानते हैं वो कौन थी? वो मैं थी पापा, आपकी बेटी। निशा, अंदर चलकर बात करते हैं। मैं अंदर जाने के लिए नहीं आई हूँ, आपसे रिश्ता तोड़ने के लिए आई हूँ। चलो सूर्या। ए, क्रिमिनल पापा, अच्छा खासा रोमांस चल रहा था, तूने सेंटिमेंट बना दिया, सब चौपट कर दिया। चेहरा देखो, फटे ट्यूब जैसा हो गया। ए, निशा मैडम, वन मिनट प्लीज। अंकल, तूने मेरे को दहेज में एक सोने जैसी बेटी दी थी, एक बार गले मिल लूं क्या? ये कितना लंबा इडियट। कभी छोटे मोटे केस में फंस जाऊंगा तो बचा लोगे ना अंकल? अरे क्यों नहीं, मैं तुम्हारा दामाद जो हूँ। बाय। तेरी पीठ पे मेरा गाल फिसल रहा है निशा, मेरे शरीर में करंट दौड़ रहा है निशा, तुझे देखते ही हो जाता है नशा। मेरी गलती से तू हो जाएगी बर्बाद। कंट्रोल सूर्या, कंट्रोल कर सूर्या, कंट्रोल। अरे यार निशा मैडम, मैं हाथ रख लूं? इस मखमली पीठ पे थोड़ी नींद मार लूं? बड़ी नींद आ रही है, लोरी गाने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं नशे में हूँ तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब तुम डबल रोल कर रही थी ना, वो दूसरा कैरेक्टर कौन था? हाँ, उषा। उषा के कैरेक्टर में जो तूने चोटी बनाई थी ना, वो सच में बहुत धांसू लग रही थी। मन करता था उसमें फूल बन के लटक जाऊं। मैं जानता था तुम गिर पड़ोगी। तुम कितनी प्यारी बातें कर रहे थे तो मैं तुम्हारा मुंह देखने के लिए मुड़ी और मैं तुम पर गिर पड़ी। करेक्ट। अभी मुझ पर नहीं गिरोगी तो क्या बुढ़ापे में गिरोगी? चलो ये तो अच्छा ही हुआ। ए मुन्ना, तूने मेरी बेटी को क्यों उठाया था? सबक सिखाने के। दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बक रहे हो? अगर मान लो मेरे भाई ने तुम्हारी बेटी के साथ कुछ कर भी दिया होता तो मैं इन दोनों की शादी करवा देता। बाबू, मेरी बेटी मेरी जान है, ऐसी बकवास मत करो। तो क्या उसकी अब जान चली गई? देखो सुबू, तुम्हारी बेटी को मेरे भाई ने इसीलिए उठाया कि वो सूर्या को मार सके। तुम्हें इतनी सी भी बात समझ में नहीं आई? सूर्या को मारने के लिए बेचारे ने इतनी मार खाई। अच्छा, लगता है तेरे पास कोई ऐसा सॉलिड आइडिया जिसके सामने मैं भी फेल हूं। सूर्या, तुम्हारे पिता को जेल भेजने में मेरा ही हाथ है। पापा, आप मुझे तुम माफ कर दो। वो ऊपर वाला है ना, वही डिसाइड करेगा कि आपके पापा की सजा क्या हो। निशा अब हवेली में रहेगी मेरी माँ के साथ। आप इसकी चिंता मत कीजिए, अपना ख्याल रखिए। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि हमारे घर से उन जमीन के कागजातों को जिसने चुराया है वो किशन है। अगर आप उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दें तो मैं प्रूफ कर दूंगा कि आप बेगुनाह हैं। मैं मरते दम तक ऐसा नहीं करूंगा। आप अपनी बहन के बेटे को इतना प्यार क्यों करते हैं? वो सिर्फ मेरी बहन नहीं है, मेरी माँ जैसी है। उन्होंने मुझे पाला, पढ़ाया, फिर मेरी शादी करवाई। मैं बिजनेस करना चाहता था, जिसे शुरू करने के चक्कर में मैं अपना सब कुछ गवा बैठा। मैं सड़क पर आ गया था। तब मेरे जीजा जी एक प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे।
उन्होंने मुझे वहां काम पर रख लिया, पर मैंने वहां उस प्रेस में नकली नोट छापने का धंधा शुरू कर दिया। ये उन्होंने देख लिया, मैंने उन्हें समझाया पर वो नहीं माने और एक रात वो चले गए। बाद में पता चला कि उन्होंने ट्रेन के आगे आत्महत्या कर ली। अभी तक वो इस सदमे से निकल नहीं पाई है। खुद को बचाने के लिए मैंने नकली नोटों का दोष जीजाजी पर डाल दिया। मेरी वजह से आपको सारी पुरानी बातें याद आ गईं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आज जो भी हूं, हमें याद रखना चाहिए कि जो दिन बीत गए उनकी वजह से मेरी हालत हुई है, क्योंकि वही हमारे आज के जीवन की नींव हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ बोलो किशन। बचा लो सूर्या, प्लीज प्लीज सूर्या बचा लो। क्या हुआ? मैंने पैसा लिया था सूर्या, वापस नहीं कर पाया तो उन्होंने मुझे उठा लिया। मुझे मार देंगे सूर्या। मुझे फोन दो, मैं बात करता हूँ उनसे। नहीं सूर्या, तुम बस यहाँ आ जाओ, मैं मंदिर के पास हूँ। जल्दी आना प्लीज, जल्दी आ जाओ, जल्दी आना सूर्या, जल्दी। ए बाबू बोलो, तुमने कहा था अगर सूर्या मिल जाए तो तुम उसके टुकड़े कर दोगे, वो तुम्हें अकेला मिलेगा। कहाँ? ए बाबू गाड़ी से मत उतरना। नहीं यार ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। ये मेरी माँ और मामी है, उन्हें कुछ मत करना। आज तो खेल खत्म होगा। हट। यही तेरे भाई ने भी किया था। औरतों पर वार करने वाला मर्द नहीं होता, और आज तू भी यही करने जा रहा है। सूर्या, इतने टुच्चे गुंडों के बल पर तू खुद को पावरफुल समझ रहा है? पावरफुल तो मैं बचपन से ही हूँ, ये हवेली की पावर है। तेरे पंटर तो भाड़े के हैं, लेकिन ये मेरा एहसान चुकाने आए हैं। ये शो मैंने कई बार देखा है, मर्द हूँ इसीलिए तेरे सामने खड़ा हूँ। मर्द? हाँ। तू पैदा होने पर उन्होंने तुझे बर्थ सर्टिफिकेट दिया होगा, उसमें मेल और फीमेल का कॉलम होता है, उसमें उन्होंने टिक नहीं किया होगा क्योंकि उन्हें तुझ पर डाउट था। ए, हम वो हैं जो छुपकर कभी भी वार नहीं करते। इसकी सजा तेरे भाई को मिल चुकी है, तू भी मर्द नहीं है। तूने भी तो बचने के लिए मेरे परिवार को अपनी ढाल बना कर रखा है। हा? ये परिवार जिस हवेली में रहता है उस हवेली के साथ इनको भी उड़ा कर रख दूंगा। हवेली की तरफ नजर भी तब उठाना जब मैं वहां ना रहूं, वरना। तुम्हारी हवेली का एक कबूतर मेरे पास है, बस एक मिनट। ए किशन बारा चल। सूर्या, इसके बारे में हवेली के लोगों को सब कुछ मालूम होना चाहिए। माँ जी। ए बाबू, यहाँ ड्रामा मत शुरू कर, नहीं तो हॉस्पिटल में तेरे भाई का दी एंड। कोई डाउट है क्या? मैं एक कॉल करूंगा और उसका किस्सा खत्म हो जाएगा।
मामी प्लीज मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। क्या कर रहे हो? प्लीज मामी, तुम्हें पछतावा है, बस इतना ही काफी है। रो मत, इधर देख, अगर तुझे सच में माफी मांगनी है तो यहाँ नहीं, जाके अपने मामा से माफी मांग। आखिर क्यों तूने ऐसा क्यों किया? वो मत मारिए, किशन की गलती नहीं है, इसे बहकाया गया है, दरअसल इसकी संगत ठीक नहीं थी। देखो सूर्या, इसे इसके बाप जैसा मत बनने दो, इसे इसे ना अपने हमेशा अपने साथ रखो। अब इसे अच्छा इंसान बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। किशन तुम्हारे पिताजी से नफरत क्यों करता है, जबकि तुम्हारे गांव के लिए तुम्हारे पिता भगवान है, और तुम्हारी भी अपने पिता के साथ नहीं बनती। पर उस दिन मेरी फैमिली, मेरी हवेली कहने लगे। What is it? निशा, मेरी बचपन की यादें मेरी बुआ और किशन के साथ जुड़ी हुई हैं। हम दोनों बहुत शरारती थे, वो तो मुझसे भी ज्यादा शैतान था, वो हमेशा खेल कूद में लगा रहता था, किशन तो किसी की नहीं सुनता था। ए किशन, माचिस से मत खेल। बदमाशी वो करता था और मार मुझे पड़ जाती थी, बिना ये सुने कि मेरी गलती नहीं है वो मुझे पीटने लगते थे। किशन की गलतियों की सजा मुझे मिलती थी। तुझे तो वो भिखारी से 10 रुपए में खरीद लाए थे, पता है तुझे, इसीलिए तो हवेली का बेटा नहीं। और बुआ जी सदमे में थी तब मेरी माँ ने किशन को संभाला, मुझसे पहले वो उसे खुद नहलाती, उसे अपने हाथ से खिलाती और मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। और एक दिन राजीव जी, कह रहे तू मुझे मेरे नाम से क्यों बुलाता है? शराब पीना बुरी बात है, इसीलिए मैंने आपको आपके नाम से पुकारा। मेरे पापा ने एक कार खरीदी, एक बार मैं और किशन मजा लेने के लिए उसमें बैठ गए। किशन ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, कार से निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, अचानक हमने उस डर के अंधेरे में एक रोशनी की किरण देखी। मैंने सोचा था कि वो पहले मुझे बचाएंगे, लेकिन पापा ने मुझसे पहले किशन को बचाया। अब मैं समझ गया था कि मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने बार बार कहा कि कार किशन ने चलाई थी, पर किसी ने नहीं सुना। मैं सच कहता हूँ कि मैंने कार नहीं चलाई माँ। फिर से झूठ बोला, शर्म नहीं आती तुझे? मैंने कार नहीं चलाई, मैं सच बोल रहा हूँ। ए राजीव जी सुन, मैं तुझे देख लूंगा। मैंने वो घर छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। पुलिस स्टेशन पर ही सो गया। ले खा, तू भी खा। ए बच्चा सुनना, तुझे तो बहुत तेज बुखार है, ये लो खाना खाओ, लो खाओ ना खाओ। मैं तभी खाऊंगा जब तुम मुझसे काम करवाओगे। भगवान तुम्हारा भला करे। अरे काम करने के लिए ताकत चाहिए, पहले ये लो खाओ खाओ खाओ। तब से मैं राजू को पापा बोलने लग गया। निशा, मुझे अपने पापा को पापा कहे हुए कई साल हो गए हैं। ये जो तुम मुसीबत में लोगों का साथ देते हो, ये तुम्हारे पापा के गुण हैं। अगर तुम्हारी बात मान भी लूं, तो उनकी ये नफरत बिना वजह तो नहीं रही होगी। सूर्या, तुम उनकी नफरत का जवाब प्यार से क्यों नहीं देते? इस बार ये प्लान फेल नहीं होना चाहिए, उसे मरना ही होगा। उस गांव के लोग सबसे ज्यादा किसे इज्जत देते हैं? उस टीचर को। एक दिन उस टीचर ने कहा था, उस पियकड़ राजीव को छोड़ना नहीं चाहिए, कंप्लेन करके उसे जेल भिजवाना चाहिए। वो टीचर ही इस गेम का मोहरा बनेगी। उस राजीव की बस एक कमजोरी है, शराब। पहले हम राजीव को इतनी दारू पिलाएंगे कि वो होश खो बैठे। उस टीचर को किसी बहाने
बाहर बुलाएंगे और सबके सामने उसे लाल कार में किडनैप करेंगे। उसको भी शराब पिलाकर बेहोश करेंगे और उस टीचर को राजीव के बगल में लिटा देंगे। फिर ये खबर गांव के लोगों को बताएंगे, लोग धावा बोल देंगे और राजीव को मौत की नींद सुला देंगे। गांव वालों ने गाड़ी तोड़ दी है। सही है, भीड़ पूरे गुस्से में है। जान से मार दो। अब वो नहीं बचेगा। लोगों ने राजीव पर धावा बोल दिया। राजीव का अंतिम समय आ गया। ए केवल, ए चैप्टर बाबू, और प्लान मत बना, तेरा भाई वहां पिट रहा है। ए सुबू, सुना तेरे और तेरी बेटी के बीच लड़ाई हुई है, क्या बात है? वो घर छोड़ के चली गई। ओह, इस बार तेरे साथ इतनी बड़ी बात हुई और तूने मुझे बताई भी नहीं सुबू। अब वो मेरी बेटी नहीं और मैं उसका बाप नहीं। और ना सूर्या तेरा दामाद, और राजीव ना ही तेरा समधी, है ना? बाबू छोड़ो ना इन सब। ए! आज मेरे भाई की जान जाने की वजह तू है और वो सूर्या है, और तू कहता है मैं छोड़ दूं? हाँ, अभी बताता हूं तुझे। ओह, लास्ट कॉल तूने अपने दामाद को ही किया था। हाँ बोलिए अंकल। ए, इंग्लिश छोड़कर हिंदी बोल, समझा क्या? ए बाबू। यस बाबू, केवल बाबू। ये ससुर और दामाद की जोड़ी ने मेरे भाई को मार डाला, मर गया वो, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया मेरा भाई। उस हवेली का कोई भी नहीं बचेगा, मैं सबको मार दूंगा। किशन, राजीव, सबको, सबको मैं देख लूंगा, दोनों पर एक साथ अटैक करूंगा। अब तुझे जिसे बचाना है बचा ले, तेरी मौत तेरा इंतजार कर रही है। आ! भैया, सूर्या ने फोन किया है, लो ना बात करो। बहुत प्यार है। हाँ सूर्या। नंदू चाचा को फोन दीजिए। वो यहाँ से चले गए। उनसे कहिए कि वो साथ ही रहें। क्या बात है, मुझे बताओ। आप जल्दी से फार्म हाउस से निकल जाइए। क्यों बेटा, क्या हो गया? क्योंकि अभी बाबू का फोन आया था कि वो किशन के साथ साथ आपको भी मारेगा। उसकी धमकी से मैं खेत छोड़कर भाग जाऊंगा क्या? अगर तुझे अपने बाप के प्यार पर जरा भी विश्वास है ना, तो आकर मुझे बचा ले। तू इधर आ रहा है ना बचाने? देखिए, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं किशन के पास जा रहा हूँ। ऐसा क्यों? मैंने बुआ से वादा किया है। मैंने भी तो उस दिन यही किया था सूर्या। अगर मैं तुझे बचाता तो मुझ पर ये कलंक हमेशा रहता कि मैंने अपने बच्चे को बचाया और दूसरे के बच्चे को छोड़ दिया। अब तुम्हें मेरी बात समझ में आई? तो उस हवेली का खून है जो पहले दूसरों को खिलाता है और फिर खाता है। देखो सूर्या, तुम मेरे बारे में बिल्कुल चिंता मत करो। ऑल द बेस्ट, बाय। हेलो हेलो, पापा प्लीज फोन उठाइए। हेलो सूर्या, गुड न्यूज, तेरा बाप यहाँ तड़प रहा है। ए, तू एक की ही लाश संभाल और दूसरे को भूल जा।
मैं तुझे उसका अंतिम संस्कार भी नहीं करने दूंगा, यही जला डालूंगा। तू बाद में उसके नाम की तेरवी धूमधाम से कर लेना। हाँ, मैंने चिता जला दी है, तू बुझा सके तो बुझा ले। कैसे हो गया भैया? सूर्या, मैं जमीन के पेपर्स लाया हूं, ये आप सब में बांट दीजिए। राजीव जी, यहां देखिए। मैं नहीं चाहता कि बाप बेटे की दुश्मनी का दर्द हम हमारे मरते दम तक झेलते रहें। पापा, आपने प्यार से ये हाथ कभी भी मेरे सर पर नहीं रखा। मेरे नसीब में भी ये नहीं है। पापा, इधर देखिए पापा, 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 आप तो बाप के नाम पर कलंक हो। बचपन से आपने मुझे क्या दिया है? कहीं और रहा, किसी और को पिता माना, किसी की उतरन पहनी, पर मेरा बेटा ये नहीं झेलेगा। मतलब आपका पोता, उसे उंगली पकड़कर चलाओगे, तैरना सिखाओगे और अपने कंधे पर बिठाओगे, हाथ से खिलाओगे। नाराज हो ना, अब भी मुझसे नाराज हो, ठीक है, मैं आपको मसीहा नहीं बुलाऊंगा। नंदू चाचा, मैं इन्हें मसीहा नहीं बुलाऊंगा। भैया, भैया,
तुम ही तो कहते थे कि तुम्हारा बेटा तुम्हें पापा नहीं कहता। आंखें खोलो, ये पापा बुला रहा है। चलो बेटा, इन्हें फिर से पापा बुलाओ। भैया पापा, पापा। मुझे माफ कर दें बाबूजी। मुखिया जी, हम तो वो हैं जिसकी डोर उप